दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं भारतीय रेलवे का न्यू अपडेट में लाइफ विद एआई चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज का क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, और आज का सब्जेक्ट जो रहने वाला है ओडिसी। और ओडिसी पर मैं विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करूंगा और सभी सस्पेंस को क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, थंबनेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर एक आने वाला वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बस रेड बटन को नीचे, वीडियो के नीचे है, उसे क्लिक करें। छोटा सा डिस्क्लेमर है, अपना खुद का शोध करें। मेरे या इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, इसे किसी भी तरह का सलाह के रूप में न लें। हर चीज का अपना जोखिम होता है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मेरे दोस्त, ओडीसी क्या है और इसे कैसे क्लासिफिकेशन, कितने क्लासिफिकेशन में हम बांट सकते हैं, किस तरह बांट सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको दोस्त कि ओडीसी का वर्गीकरण जो है तीन वर्गीकरण में बांटा गया है। सबसे पहले मैं ओडीसी का आपको बताऊं कि ओडीसी है क्या। मेरे दोस्त, जब एक भारी कंसाइनमेंट को उसकी पैकिंग और लाइसिंग के साथ, यानी जब किसी कंसाइनमेंट को उसकी पैकिंग और लाइसिंग के साथ बैगन में लोड किया जाता है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसी होती है कि इनमें से एक या अधिक बैगनों से शुरू ले से लेकर गंतव्य तक चलने के दौरान किसी भी बिंदु पर मानक मूविंग आयामों का उल्लंघन करते हैं, तो इस कंसाइनमेंट को ओडीसी कहा जाता है। यानी इसको सीधा सा शब्दों में यूं समझिए आप कि जब किसी भी कंसाइनमेंट, कोई भी माल हो, जिसे मालगाड़ी से ले जाना हो या रेलवे से ले जाना हो, तो रेलवे में स्टैंडर्ड मूविंग कंसाइनमेंट, स्टैंडर्ड मूविंग जो है डायमेंशन होता है, और इस डायमेंशन को ये उल्लंघन करता हो, जब कोई सामान हम रेलवे से ढोलाना चाहते एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लिया जाए मैंने पूरे बैगन को रिजर्व किया है, तो वहां जो मैंने कंसाइनमेंट डाला है पैकिंग और लाइसिंग करके, यानी कि पूरा पूरी टाइट कर करके पैकिंग करके, तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में से कोई उस रूट में पड़ने वाले रेलवे का जो स्टैंडर्ड का जो फिक्स स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को उल्लंघन करता हो, तो उसको जो है ओडीसी कहा जाता है, यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ऐसी कंसाइनमेंट जो रेलवे का फिक्स अस्थाई स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन जो होता है उसका उल्लंघन करता है कहीं ना कहीं जाकर के उसे, तो उसको ओडीसी ही कहते हैं। और इस ओडीसी को क्लियरेंस के रूप में, यानी कि फिक्स स्ट्रक्चर एंड कंसाइनमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसके आधार पर तीन भाग में बांटा गया है। अब ये तीन भाग कौन कौन है, तो ओडीसी का क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये तीन कंसाइनमेंट है, और ए, बी, सी, और इन तीनों को जो है बांटा गया है आपको क्लियरेंस पर। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लियरेंस जो मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन होता है वो कितनी मीटर, कितनी एमएम पर बनाई गई है, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा पेन मैं ले लूं और जिसके तहत कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर रेल हाइट एट टॉप सेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेल का टॉप सेंटर है, ये देखो ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेल, रेल का टॉप सेंटर से इसकी ऊंचाई जो है 4115 mm है, जबकि यदि आप ओएची को लेते हैं तो ओएची का जो है 1400
4470 mm डिस्टेंस है, यानी कि आपको रेल लेवल से लेकर ऊंचे टॉप तक ओएचई का 4470 मिलीमीटर है। और इस तरह से हर तरह का यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेलवे से इसकी जो पहिए हैं 102 mm है ना। तो इस तरह से ये बांटा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओडीसी का जो टाइप है ABC, तो क्लियरेंस के आधार पर है जो कि इसको बांटा गया। आप यहाँ पर देखो, ये है ओएचई का वायर इस लेवल पर है, इस लेवल पर। और हमारा सामान जो है, जो मेरा लैगेज है, वो लैगेज यहाँ तक यदि पैक है, तो ये जो डिस्टेंस बचेंगे, ये डिस्टेंस, इसी को क्लियरेंस डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेट क्लियरेंस और एक होता है ग्रॉस क्लियरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको नेट क्लियरेंस के बारे में मैं बता दूं कि नेट क्लियरेंस एक ऐसा डिस्टेंस है बिटवीन फिक्स स्ट्रक्चर एंड कंसाइनमेंट, यानी कि द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड फिक्स स्ट्रक्चर ऑन रनिंग कंडीशन विल बी नो एट नेट क्लियरेंस, ठीक है। यानी कि जो आपका कंसाइनमेंट है, वो कंसाइनमेंट और रेलवे का जो फिक्स स्ट्रक्चर है, ये दोनों के बीच का जो क्लियरेंस है, चलती गाड़ी में जो क्लियरेंस आती है उसे नेट क्लियरेंस है। और ग्रॉस क्लियरेंस वैसी क्लियरेंस है जब गाड़ी खड़ी है उस समय फिक्स स्ट्रक्चर और कंसाइनमेंट के बीच की डिस्टेंस जो नापी जाती है वो ग्रॉस क्लियरेंस कहलाती है। तो सबसे पहले मैं ए क्लास का ओडीसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट क्लियरेंस जो है 152.4 मिलीमीटर है, जबकि ग्रॉस क्लियरेंस यहाँ पर 9 इंच एंड एवव है। मैं बात करूं इसे स्पीड रिस्ट्रिक्शन की, जब ये चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, कौन परमिशन देंगे और कितने स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले मैं स्पीड रिस्ट्रिक्शन की बात करूं तो ये ऑन रूट चल रहा है यदि, तो ये सेक्शनल स्पीड से चलेगा, उस सेक्शनल का जो हाई स्पीड है उसी स्पीड से ये ऑन रूट चलेंगे। और बात करें मैं यार्ड या टर्न आउट का या स्टेशन का, तो ये 8 KMPH से वहां पे चलेगा। और दूसरी बात करूं मैं पासिंग फिक्स स्ट्रक्चर, जो फिक्स स्ट्रक्चर है, तो वहां पर स्लो चलेगा, डेडली चलेगा और स्लो चलेगा। मैं दिन रात कब ये ए क्लास का ओडीसी चलाया जाएगा उसकी बात करूं तो ये दिन और रात दोनों समय चलाई जाएगी ए क्लास का ओडीसी जो होगा। यदि एस्कॉर्टिंग की बात करूं तो ए क्लास ओडीसी में किसी तरह का एस्कॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। और बात करते हैं शंटिंग की, तो इसकी शंटिंग वनली फ्लैट शंटिंग ही की जा सकती है। और यदि ये डिवीजन में मैं बात करूं कि अथॉरिटी जो इसे चलने का परमिशन देंगे, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, तो ये विथ डिवीजन, डिवीजन में विद इन डिवीजन जब चलाना है इसे, तो DRM या सीनियर DOM ही इसे चलाने का परमिशन दे। और यदि इंटर डिवीजन चलाना है तो CEOM साहब परमिशन देंगे, और इंटर रेलवे चलाना है तो PCOM साहब इसकी परमिशन देंगे। बात करें अब बी क्लास ओडीसी की, तो बी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 152.4 मिलीमीटर से 76.2 मिलीमीटर तक नेट क्लियरेंस होते हैं, जबकि ग्रॉस क्लियरेंस की बात करें तो एबव 6 इंच एंड बिलो 9 इंच होगा, यानी 6 इंच से ज्यादा और 9 इंच से कम होते हैं। इसके स्पीड की बात करें तो ये 40 KMPH स्पीड से ऑन रूट चलते, यानी अपने रूट में, जो रूट इसकी तय की गई है, किसी भी क्लास के ओडीसी को चलाने के लिए पहले उसका वो रूट तय किया जाता है कि किस रूट से इसे चलाई जाए ताकि मिनिमम फिक्स स्ट्रक्चर उसे बाधा आए, और जो फिक्स रूट की गई है उस रूट से इसे चलाई जाएगी। और 40 KMPH
स्पीड से चलाई जाएंगे। और यदि रूट चेंज करने की आवश्यकता आती है तो सियोम साहब है जो कि इसके लिए इंटाइटल है, और डिवीजन में रूट चेंज करने के लिए बात आती है तो डीआरएम साहब और सियोम साहब ही इसके इंटाइटल है। दूसरी बात मैं करूं कि यार्ड में इसकी गति 8 केएमपीएच होंगे और फिक्स स्ट्रक्चर को पास करते समय यह स्टॉप एंड मूव की चाल से चलेगा। बात करें इसकी मूवमेंट की तो ये दिन और रात दोनों टाइम मूवमेंट की जा सकती है, जबकि स्कॉटिंग की बात करें तो यहाँ ड्यूरिंग नाइट ही स्कॉटिंग की जाएगी इसको, अब ओनली TXR के द्वारा इसकी स्कॉटिंग की जाएगी। और संटिंग की बात करें तो ये ओनली फॉर फ्लैट संटिंग की जाएगी इसकी, और यदि इसकी अथॉरिटी की बात करेंगे, इसके चलाने की अथॉरिटी कौन देंगे, तो डिवीजन में यदि चल रहा है तो DRM साहब देंगे, और इंटर डिवीजन चल रहा है तो सियोम साहब देंगे, जबकि इंटर रेलवे चल रहा है तो पी सियोम साहब देंगे। यहाँ सियोम साहब लिखा हुआ है, सॉरी उसके लिए पी सियोम साहब देंगे। नंबर सी क्लास का ओडीसी जब बात आती है तो ये सी क्लास के ओडीसी को नेट क्लियरेंस जो चाहिए ये 76.2 से लेकर 25.4 मिलीमीटर तक का नेट क्लियरेंस चाहिए। जब ग्रॉस क्लियरेंस की बात आती है तो 3 इंच से लेकर 6 इंच तक का जो है ग्रॉस क्लियरेंस होगी। जबकि इसके स्पीड रिस्ट्रिक्शन की बात आए तो ओनली फॉर 25 केएमपीएच से ही सी क्लास का ओडीसी चलाई जाएगी, और जबकि यहाँ पे यार्ड या टर्न आउट या स्टेशन के बीच चल रहे हैं तो 8 केएमपीएच से ये गाड़ी ओडीसी चलेगा। और पासिंग फिक्स स्ट्रक्चर की बात जब आती है तो यह स्टॉप एंड मूव की गति से चलेगा। ये फिक्स स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, रेलवे ब्रिज हो सकता है और या फिर आपको रोड क्रॉसिंग लेवल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जब वहाँ पे आपका फिक्स स्ट्रक्चर है तो ये स्टॉप एंड मूव के गति से चलेगा। जब इसके मोमेंट की बात आए दिन या रात तो ये ओनली फॉर डे में चलेगा, नाइट में इसकी चलाने की परमिशन नहीं है। जब स्कॉटिंग की बात आए तो SSC CNW एंड SSC PWA, SSC सिग्नल, TI और SSC TRD ये है जो कि इसका स्कॉटिंग करेंगे। यहां संटिंग की बात आए तो फ्लैट संटिंग होंगे इसके, ओनली फ्लैट संटिंग ही होगा। और जब इसकी अथॉरिटी की बात आए कौन चलाने की अथॉरिटी देंगे तो ये ओनली फॉर CRS ही इसे अथॉरिटी देंगे चलाने के लिए, CRS के अलावे कोई अधिकारी इसकी अथॉरिटी नहीं देंगे। तो ये था आपका ओडीसी का संपूर्ण क्लास, और इसी तरह का आप नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन को जरूर क्लिक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मेरा आएगा आप तक पहुंचता रहेगा यूट्यूब के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए। ओके, थैंक यू।